और कैसे हैं आप लोग? जैसे मैंने प्रॉमिस करा था कि जो वीडियो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसलिए होगा क्योंकि चॉइस फिलिंग के साथ चॉइस फिलिंग करते टाइम पे आपको जो बारीकी को ध्यान देना है और आपके मार्क्स जो है उस मार्क्स के बेस पे आपको जो कॉलेज मिलना है क्या वही कॉलेज आपको मिलना है, या अगर आप लोग कटअप देखते हैं किसी कॉलेज का तो उस कॉलेज के कटअप से अगर 5 से 10 हज़ार आप लोग आगे पीछे रह जाते हो तो क्या उस डिफरेंस को, मतलब वो जो 15,000 रैंक आपके, जैसे मान लो JSC का कटअप जाता है 75,000 और अगर आपके कटअप रह गए हैं, अगर आपके रैंक रह गए हैं 90,000, ठीक है, तो JEE हमें फिर 90,000 लेके कैसे पा सकते हैं? तो पाने के लिए जो मेरा तरीका है उसमें 99% श्योर है कि आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस ऐसे रखना है कि आपको कॉलेज टारगेट करना है, मतलब कॉलेज टारगेट इसलिए करना है क्योंकि कॉलेज टारगेट करोगे तो थोड़े से आसान हो जाता है, क्योंकि इंटरनल ब्रांच चेंजिंग या अपग्रेडिंग तो चलो ठीक है बस चॉइस फिलिंग के अंतर्गत होता है, लेकिन जो इंटरनल ब्रांच चेंजिंग होता है वो टोटली डिपेंड करता है। और आप लोग सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग इतना ध्यान देना कि फर्स्ट राउंड जो होता है, पहला राउंड में कॉलेज मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि दूसरे राउंड में जब टॉप कॉलेज भर जाते हैं तो वही हाई मार्क्स वाले जो बच्चे होते हैं वो सब के सब आपके कंपटीशन में आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मतलब अगर आपके परसेंटाइल कम है तो बिल्कुल आपके लिए बड़ा ही क्या होगा, नाजुक कंडीशन आ जाता है कि भाई LNCT का कटअप फर्स्ट राउंड में 85 चला गया और सेकंड राउंड में यार 89 पे भी नहीं मिल पा रहा है, यही कारण होता है। तो आपको पहले राउंड में बारीकी से करना है, मैंने जैसे चॉइस फिलिंग बताया है उस चॉइस फिलिंग को आप सही से देखना, बिल्कुल मेरे ख्याल से अगर कोशिश करना कॉपी कर देने का, श्योर रहो कुछ इस टाइप से हम सेट करे हैं कि आपको आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दिया था, जैसे कि जीवाजी यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, उज्जैन का कॉलेज छोड़ दिया था, रीवा का कॉलेज छोड़ दिया था, है ना, रुस्तम जी छोड़ दिया, उसके अलावा क्या था कि शिवपुरी वाला UIT छोड़ दिया था, चित्रकूट छोड़ दिया था, ठीक है, ये सब इसलिए छोड़ा था दोस्तों क्योंकि ये सब लेने लायक कॉलेज नहीं है। मैंने मैंने बताया भी था IAS कॉलेज के बारे में कि अगर वहाँ की अगर आपके प्लान हो रहे हैं तो चॉइस फिलिंग नहीं करना है, मैं खुद हूँ वहाँ पर, तो आप तो कभी भी घूमते घूमते आ जाना, जैसे भी कहानी होगी मैं वहाँ पर सॉल्व करके एडमिशन की प्रोसेस मैं कर दूंगा, तो अब बाकी फीस कम होने की बात होगी तो मैं वो भी देख लूँगा। हालांकि दोस्तों छोड़ो उन सबको, छोड़ते हैं, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। हालांकि दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर देते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, तो बिल्कुल लाइक कर दो और साथ में जिनके यूज की ये वीडियो है उनके साथ शेयर कर दो, जिससे कि सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएँ और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और हमें वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। देखो एक बार ध्यान दो, जैसे मान लो आपने 10 चॉइस करा है, टॉप 10 चॉइस करा है, जिसमें कि शुरू के 2 चॉइस SGS ITS के हैं, उसके नीचे IIT DAV के हैं, ठीक है, उसके नीचे 6 चॉइस ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज के हैं मान लो, ठीक है। अगर आपको 8वें नंबर का चॉइस मिलता है और आपको चाहिए था क्या, नहीं यार कम से कम 6ठे नंबर का मिल जाता या 5वें का मिल या 7वें का मिल जाता, मतलब चॉइस फिलिंग हमेशा टॉप टू बॉटम होने चाहिए। सबसे ज़्यादा पसंद का जो मेरा ब्रांच है वो सबसे ऊपर रखेंगे हम, जो सबसे ज़्यादा हमें बिल्कुल हमें यही चाहिए ऐसा वाला जो ब्रांच है ना उसे सबसे ऊपर रखना आप, उसके नीचे जो हम रखेंगे वो किसे रखेंगे, वो रखेंगे हम लोग उससे कम चॉइस। चलो यार SGS का CS नहीं मिलना, SGS का IT ही मिल जाए, तो SGS का IT क्या होगा, सेकेंड नंबर पर जाएगा। भाई हमें तो JEE चाहिए यार, JEE का CS क्या करेंगे, उसके नीचे रख लेंगे। मतलब कि मेरे जो सबसे पसंदीदा, सबसे ज़्यादा जो जिसके पीछे आप लगे हुए हो उसे सबसे पहले रखना है चॉइस में, ठीक है। अगर मान लो 8वें नंबर का चॉइस आपको अलॉट हो जाता है, अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आपको जो ब्रांच मिला है वो ब्रांच आपको आपके पास तो रहेंगे, अपग्रेडिंग वो ब्रांच आपके पास रहेंगे, वो छीनेगा नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा रिपोर्ट नहीं करता है, जो आपसे ऊपर के जो 7 ब्रांचेस थी या 7 जो चॉइस आपके रहे थे उसमें का कोई बच्चा अगर रिपोर्ट नहीं किया है तो क्या होगा, वहाँ 8वें नंबर वालों का मौका दिया जाता है, मतलब कि एक राउंड अलग से मिल जाता है मेरे भाई, आप शायद समझ नहीं रहे होगे, मतलब 8वें नंबर के अलॉटमेंट के साथ आप फिर से उस दौर में शामिल हो सकते हो जो 7वें 6ठे 5वें और 4थे नंबर पर आपने चॉइस करा था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 से 7 हज़ार का रैंक का वहाँ अंतर पड़ जाता है। दूसरा ऑप्शन यह है दोस्तों, देखो हाँ अगर आप देखो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि किसी कॉलेज को टारगेट करो, जैसे मान लो आपके मन में जैसा आपके 90-92 हज़ार रैंक आए और आपके मन में चल रहा है कि नहीं हमें IT या CS चाहिए, SGS ITS का चाहिए हमें, तो मानता हूँ कटअप बहुत ज़्यादा है, एग्जांपल वो नहीं देने चाहिए थे, ठीक है, मान लो 94 है आपके रैंक रह गए हैं 60 से 70 हज़ार मान लो, या आपका रैंक रह गया है मान लो 1.5 से 2 लाख और आप चाहते हो LNCT का मेन कैंपस हमें मिले, ठीक है, तो LNCT का मेन कैंपस मान लो कब मिलेगा, इस राउंड में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या होगा जब 2 राउंड जब निकल जाएंगे फर्स्ट और सेकेंड राउंड, तो 12 तारीख को इंटरनल स्लाइडिंग का क्या है, ऑप्शन है। इंटरनल स्लाइडिंग में क्या मौका मिलना है आपको, इंटरनल स्लाइडिंग का मौका ये मिलना है कि आप जैसे मान लो LNCT के इसी ब्रांच को रख लिए, आप उसमें अपन रिपोर्ट कर दिए, ठीक है,
तो क्या होगा, जिस समय दोनों राउंड के बाद जो सीटें खाली बचती हैं सीएलसी राउंड के लिए, तो सीएलसी राउंड में उस सीट को भेजने से पहले जो बच्चे उसमें दूसरे ब्रांच में पढ़ाई कर रहे हैं उस बच्चे को क्या होता है, मौका दिया जाता है कि क्या आप ये ब्रांच लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों ये श्योर रहना कि 10 से 12,000 का बेनिफिट रैंक का हो जाता है। मतलब अगर आपके रैंक 85 है तो 70,000 रैंक वाले में आपको मौका मिल जाता है। श्योर रहना, ये मिलता है तो मिलता है, ऐसा नहीं कि अनु भाई अपने मन से कह रहे हैं, श्योर रहना दोस्तों। तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं और बिल्कुल जो होने वाला है वही बताते हैं, जो मैक्सिमम होगा वही हम बता रहे हैं। हाँ, ये मत सोचना अब मन में आपके ऐसे आ रहे होंगे कि भैया अगर इसी लेके फंस गया तो भाई मेरे इसी लेके अगर आप फंस भी गए हो ठीक है तो आप कैंसिल भी करा सकते हो ना। मान लो रिपोर्ट कर भी लिए हो तो क्या होगा, काउंसलिंग ख़त्म होने से 15 दिन पहले तक लिंक ओपन रहता है। आप अगर कैंसिल कराते हो किसी भी कॉलेज में एडमिशन तो आपका 10% अमाउंट काट के पूरे वापस कर दिए जाते हैं। तो अगर या तो मार्क्स या तो डायरेक्ट रेडीमेड की जैसे आप तो अलॉटमेंट कराओ और लेके जाओ सीट, चॉइस करो लेके जाओ। लेकिन अगर आपके मार्क्स नहीं है तो कहीं ना कहीं आप तरीके से ही करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। और यही इसी तरीके के लिए जो काउंसलर लोग होते हैं वो आपसे चार्ज करते हैं 50,000, तो कोई 1,00,000, तो कोई 1.5 लाख, तो कोई 2 लाख, कोई 10,000। यही सब बारीकी को वो लोग पढ़ते हैं है ना, और उसी को ये लोग यूज करते हैं। आप भी कर सकते हो, लेकिन जिसके पास आईडी और पासवर्ड अपना नहीं होगा वो ज़रूर ध्यान रखना कि आप अपग्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉलेज वाले जो चीज़ का चॉइस फिलिंग करते हैं वो आईडी पासवर्ड देते नहीं है। जो टेम्प्रेरी पासवर्ड आपके मोबाइल पे आया वो लोग चेंज करके रख लेते हैं, मतलब ये कहीं मेरे से आप चंगुल से भाग ही नहीं पाए। यही कारण है कि हम शुरू से आप लोगों को कहते आ रहे हैं कि भाई थोड़ा पेशेंस रख ले, थोड़ा सा रुक जा, हम लोग को बहुत मौका मिलने वाला है रजिस्ट्रेशन चार्ज को। देखो अगर आपको 3 महीने पहले भी एडमिशन करा के रखा है उसके भी प्रोसेस वही होंगे जो अभी करा रहा है। आप खुद से करो या आपके बदले कॉलेज वाला करो, करना तो वही है, dt.mponline.gov.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करने हैं, dt पे जाके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। हाँ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट रह गया था कि जिनका TFW है उनका क्या करना है। तो पहला जो होगा चॉइस, आप जो जैसे ही जैसे SGS ITS का, अगर SGS ITS का चॉइस कर रहे हैं तो सबसे ऊपर क्या करो, जितने भी ब्रांचेज हैं जो आपको एक्चुअली चाहिए उसके ऊपर TFW से पहला चॉइस करना, फिर नीचे नॉर्मल चॉइस करना, फिर TFW से करना, फिर नीचे चॉइस करना, ऐसे चॉइस करना ठीक है दोस्तों। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो बिल्कुल कमेंट करो, जैसे सपोर्ट मेरे से हो पाएगा मैं करूँगा। तो थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहे, बहुत से रिप्लाई हो गए हैं फार्मेसी वाले की चॉइस फिलिंग की भी, मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच, देखते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो।